नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्टा फीड में। मैं हूँ दीपाक्षी शर्मा और आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2009 से की थी और अब 2020 में वो तेलानी राम के सीरियल में नजर आ रही है। यहाँ हम बात कर रही है खूबसूरत एक्ट्रेस आसिया काजी की। आसिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंस्टा फीड में। और जो आपके साथ ये क्यूट लिटिल बेबी है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। Hi. 2009 में बंदनी सीरियल में आप नजर आई थी और उसके बाद हर घर में आपको फेवरेट बहू के किरदार में पसंद किया गया था और अब तेलानी रामा में आप जो है शारदा का किरदार निभा रही हैं। तो ये जो टेलीविजन का आपका सफर है वो कितना शानदार रहा? बंदनी से मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की और अब मैं तेलानी कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने कहा, मुझे ऐसे लगता है कि टेलीविजन मेरे लिए बहुत वेलकमिंग है। यू नो, हमेशा मुझे कोई ना कोई शो टच में मिलता गया है। इनफैक्ट जो भी कैरेक्टर्स मिले हैं वो बहुत अलग मिले हैं, डिफरेंट मिले हैं। जैसे बंधनी की बात की, यू नो, एकदम वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन अंदर ही सहमी सी लड़की रहती थी। और जहाँ पे अगर आप अपनी शारदा की बात करें तो वो इतनी लाउड है, यू नो, इतना फटाक से कुछ भी बोल देती है, सारा पागलपन करती है, यू नो, कुछ भी मैडनेस कर सकती है, इससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो यू नो, इतना डिफरेंस है ये दोनों कैरेक्टर में। तो इनफैक्ट मेरे बाकी सारे कैरेक्टर्स यू नो बहुत अलग अलग रहे हैं, हमेशा बहुत डिफरेंट रहे हैं, बहुत अलग रहे हैं। सो यस, ऑल द कैरेक्टर्स आर आई प्लेड यू नो आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो टेलीविजन बहुत वेलकमिंग रहा है मेरे लिए और बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स करने मिले। बिंदी सीरियल में काफी डरी सहमी हुई आप नजर आ रही थी, लेकिन उल्टा ही तेलानी रामा में देखने को मिला। इसमें कॉमेडी का तड़का जो है लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा खासियत तो इस शो की जो है आपको कौन सी लगी जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? सबसे ज्यादा मजा मुझे शारदा में देखी इस बात का आता है कि अगर आप शारदा का स्पेसिफिकली मुझे पूछे कैरेक्टर का, कॉमेडी का, तो देखिए कॉमेडी करना इटसेल्फ ही एक मजे वाली बात है, यू नो, बिकॉज जो एटमोसफियर सेट पे होता है बहुत लाइट होता है एटमोसफियर, सीन सारे लाइट हार्टेड होते हैं, तो बहुत मजा आता है। ये नहीं है कि इमोशनल सीन करना है, क्विज देना है, एकदम हैवी परफॉर्मेंस है या कुछ है, तो वहीं पे ही सबसे ज्यादा वो कॉमेडी शो करने का ही मजा बहुत अलग होता है। मैं बहुत डरती थी कॉमेडी शो, मुझे जब ऑफर भी मिला था तेलानी, मैंने हाँ करने से पहले बहुत सोचा, बिकॉज मैं श्योर नहीं थी कि मैं ये कैरेक्टर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज कॉमेडी इज समथिंग मैंने जो कभी ट्राई नहीं किया था। बट अब जब मैं कर रही हूँ तेलानी, तो मुझे खुद करते हुए बहुत मजा आ रहा है। और कॉमेडी मुझे लगता है जितना मजा आता है, मजा करने में आता है, बट परफॉर्मेंस वाइज आई फील कि टफ भी उतना ही है, बिकॉज आई थिंक लोगों को हंसाना आसान नहीं है। तो एक अपने आप में ही एक चैलेंज है। एंड आई एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ ये शारदा का कैरेक्टर प्ले करके और ये शो साइन करके। लॉकडाउन के दौरान जब शो के सेट पर नहीं जा रही थी आप, तब आपने क्या क्या चीजें जो है नई की और किस तरह के एक्सपीरियंस जो है आपने इस दौरान लिए? क्योंकि हर कोई जो है लॉकडाउन के दौरान, हम खुद भी ज्यादा इतने ज्यादा हो गए थे कि बस ये था कि ये खत्म हो जाए और जल्द से जल्द जो है घर से बाहर निकले। और देखिए स्टार्ट में तो ये था कि कुछ दिनों में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, इतना लॉकडाउन खिंच जाएगा, ये किसी को आइडिया नहीं था। बट विद टाइम लॉकडाउन बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं मैं शूट को मिस करती रही, यू नो, कैमरा फेस करने के लिए मैं बहुत बेताब हो रही थी। मैं वेट कर रही थी कि कब मैं फिर से शारदा का, यू नो, कॉस्ट्यूम पहनूं और अपने कैरेक्टर में अपना रोल प्ले करूं। सो आई थिंक आई वाज मिसिंग फेसिंग द कैमरा डेफिनेटली। बट कहीं ना कहीं लॉकडाउन जरा कट गया, यू नो, मैं फैमिली के साथ बैठी हूँ, तो मेरा टाइम तो बीत गया। बट कैरेक्टर मैंने प्ले करने में बहुत, इनफैक्ट लॉकडाउन के बाद जब यू नो शूट रिज्यूम हुआ तो इतना डिफिकल्ट था, बिकॉज यहाँ पे तेलानी में जो लैंग्वेज है वो नॉर्मल नहीं है, वो शुद्ध प्रॉपर हिंदी है। तो यू नो जो वर्ड्स यूज करने होते हैं और यू नो वो सब जो लैंग्वेज होता है वो ईजी नहीं है। तो मुझे जब मैंने शो स्टार्ट किया था तभी डिफिकल्ट था, बट विद टाइम यू नो वो सारा आगे करते 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 मुझे आदत हैबिट पड़ गई और मैं वो कैरेक्टर कर सकी, मेरे लिए लैंग्वेज भी बहुत ईजी होती गई।
बट आफ्टर अ टाइम जब ये लॉकडाउन हुआ उसके बाद जब शूट करना था ना वो इतना डिफिकल्ट था बिकॉज फिर से मेरा वो फ्लो टूट चुका था. तो अब आई थिंक आई एम इन दैट प्रोसेस जहाँ पे मैं फिर से वो हिंदी सीख रही हूँ, फिर से वो लैंग्वेज को मैं सीख रही हूँ. सो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शूटिंग. वैसे मेरे हिसाब से तो आसान नहीं है ये शूट करना एंड आई एम वेरी हैप्पी बीइंग पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ शो. अब आपके कंधे का दर्द कहता है क्योंकि इसकी वजह से जो है आपके फैंस आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे थे और उन्हें जो है वो सीरियल में नहीं देख पा रहे थे. जी तो अभी मेरा शोल्डर पेन है, देखिए उसका ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है. अब तक मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई हूँ. अभी मेरा फिजियोथेरेपी भी चल रहा है. सो इट्स गोना टेक टाइम. मैंने अपने प्रोडक्शन को भी बोल के रखा है कि जितना बिकॉज तेनाली रामा एक डेली सोप है तो वो चाह के भी वो ना कितने दिन मुझे अवॉइड कर पाएंगे. तो जितना हो सके दे आर ट्राइंग कि वो लोग मुझे ड्रेस दें. बहुत ज़्यादा यू नो शूट पर भी जब मैं जाती हूँ तो मुझसे वो लोग कोशिश करवा के यू नो 12-13 आवर्स शूट नहीं करवा रहे एटस्टेट्स दे आर गिविंग मी रेस्ट या तो बीच में रेस्ट दे देते हैं या तो मुझे मेरा कॉल टाइम लेट रखते हैं. तो प्रोडक्शन हाउस बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है बिकॉज दे नो मेरा प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है. जैसे आई कैन नॉट सिट फॉर टू लॉन्ग, मैं ज़्यादा टाइम खड़े भी नहीं रह सकती. तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा है मैं ये कहूँगी, बट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है मेरा एंड दे आर सपोर्टिंग मी. And I am trying to recover as soon as I can because इस pain में रहना you know इस shoot में जाना या normally भी life में रहना मुझे पसंद ही नहीं है, बीमारियाँ या injuries या कुछ भी. So I am having a tough time but I am just trying कि कुछ भी करके मैं जल्दी से बस ठीक हूँ. देखिए जो कंधे का दर्द है वो इतनी जल्दी जाता नहीं है, तो कंधे के दर्द के बाद आप किस तरह से सेट पर सावधानी रख रही है? मतलब सेट पर आप जाना आपने शुरू कर दिया है और अभी आप बाहरी सामान नहीं उठा पा रही होंगी, तो किस तरह की चीजों का आप जो है इस समय सावधानी बरत रही है? देखिए कम्प्लीटली तो ठीक नहीं हुआ है बिकॉज मुझे पहले से ही प्रॉब्लम ये हो रहा था कि एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे है. ये प्रॉब्लम मुझे पिछले 6-7 साल से ज्यादा था बट वो कहीं हल्का हल्का सा पेन होता था. आई केप्ट इग्नोरिंग इट, डॉक्टर्स के पास जाना या मेडिसिन खाना यही करती थी. बट एट अ पॉइंट यू नो वो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. नाउ आई नो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने बहुत कुछ किया, मेडिसिन ली, उससे भी फर्क नहीं पड़ा. अपना मैंने फिजियो स्टार्ट किया है तो यू नो थोड़ा सा मुझे इससे फर्क पड़ रहा है. बट यू नो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, वो इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है. तो ये सारा जो डॉक्टर का यू नो आगे पीछे जो भी हुआ, मेडिसिन लेने में, ऑर्थोपेडिक को दिखाने में जो भी टाइम वेस्ट हुआ उसमें यू नो मैंने सारी छुट्टियाँ अपनी वेस्ट कर ली. तो अब जब राइट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है और मुझे रेस्ट की ज़रूरत है तब आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो मोर देन यू नो एक महीने से ज़्यादा तो कोई भी एडजस्ट नहीं करेगा. सो आई हैव टू रिक्वेस्ट देम एंड दे आर बीइंग सपोर्टिव. तो ये ठीक तो नहीं हुआ है, मैं बोल सकती हूँ कि अंडर रिकवरी है एंड इट विल टेक टाइम बट हो जाएगा होपफुली ठीक है. एंड बस प्रिकॉशन तो ये जी वैसे तो मुझे बोला गया है कि मुझे बेड रेस्ट करना है, छूट के पॉसिबल नहीं है. बट बस यही प्रिकॉशंस है कि सेट पे जब भी टाइम मिलता है मैं सो जाती हूँ, मैं रेस्ट करती हूँ एंड आई मेक श्योर आई एम एज आई सेट कि ज़्यादा टाइम खड़ी नहीं हूँ या ज़्यादा टाइम मैं बैक नहीं रही हूँ. सो बस यही चीज़ों का अब ध्यान रखना है. बाकी ड्राइविंग भी अलाउड नहीं है बट देन एज आई सेट बहुत सारी चीज़ों को मुझे यू नो इतनी सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं रख सकती मैं शूट करते हुए. अब बात कर रहे हैं जब आपके सेहत की बात करी, सेहत के दौरान कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो ऐसे में एक ऐसी बीमारी के आसपास हम घिरते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना वायरस. तो कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच आप सेट पर जाने से पहले कौन कौन सी सुरक्षा का ध्यान रखती है, मतलब किस तरह से जो है आप सावधानियां बरतती है ताकि इस महामारी से जो है बचा जा सके? अगेन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि हमारे सेट पे हर एक तरीके का यू नो प्रिकॉशन लिया गया है. जैसे मेकअप, हेयर और ड्रेस डिपार्टमेंट को ये स्ट्रिक्टली बोला गया है कि उन्हें पीपीई किट पहन के ही घूमना है. वो उतार नहीं सकते हो बिकॉज वो लोग एक्टर्स के सबसे ज़्यादा पास आते हैं मेकअप. हमसे रिक्वेस्ट किया गया है कि जितना हो सके हम अपना मेकअप खुद से करें. तो मैं ट्राई करूँ कि मैं अपना मेकअप मतलब मैक्सिमम टाइम मैं ही खुद करती हूँ. बट कभी शोल्डर का प्रॉब्लम है तो कभी कभार नहीं होता है जब मुझसे सारी रिक्वेस्ट तो वो लोग कर देते हैं. बाकी मेकअप का सामान तो हमेशा से मैंने खुद का ही कैरी किया है तो वो प्रॉब्लम नहीं है. बाकी हेयर में आप खुद कर नहीं सकते हो, विग लगाना है, स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग. सो यू नो वो सब चीज़ें तो वो हेयर को करना पड़ता है. तो ये सब स्ट्रिक्ट चीज़ें दी गई हैं. बाकी वहाँ हमारा चेक होता है, प्रॉपरली हमें चेक किया जाता है सेट एंट्री होने से पहले. सो ऑनेस्टली वहाँ पे भी सेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है.
बट व्हेन इट कम्स टू मी अगेन वही बस मास्क पहनना, सैनिटाइजर, कुछ भी प्रॉब्लम इस पे लेफ्ट सैनिटाइज कर लो. सो आई थिंक एवरीबॉडी इज जस्ट ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो प्रिकॉशन ले और सही तरीके से ध्यान रखे चीजों का. तेलानी रामा सीरियल में जब पहली बार आप सेट पर आई थी तो आपको सबसे जो आपका पहला पसंदीदा जो कौन सा गो स्टार बना था आपका दोस्त और उनकी क्या खासियत है, और क्योंकि जो सीरियल है उसमें काफी ज्यादा मजेदार किरदार है तो ऐसे असल जिंदगी में जो है आपके सेट पर काफी ज्यादा सबसे ज्यादा मजाकिया और मजेदार व्यक्ति कौन रहा? देखिए जब मैं शो में गई थी तब शो में लीक हुआ था तो नया जनरेशन इंट्रोड्यूस किया गया था उस शो में. तो क्योंकि मैं शो में नहीं थी और काफ़ी लोग इन्हों पहले से, जैसे कृष्णा पहले से है और सब ध्रुवी भी पहले से ही थी जो कांता का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, सो ये सारे लोग पहले से ही थे. तो ऑनेस्टली यू नो मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बात सबसे थोड़ी नहीं कर रही थी, बट क्योंकि कृष्णा के साथ मेरे मैक्सिमम सीन्स होते हैं, ध्रुवी के साथ मेरे मैक्सिमम सीन्स होते हैं, तो कृष्णा ध्रुवी इन दोनों से मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया है. और अब अम्मा है तो अम्मा और मेरा तो कोई शॉट नहीं होता है, तो यू नो वो एक हमारा ऐसे तो क्वांटम भी साथ में होता है, हमारा बैकअप टाइम भी साथ में होता है, हम शॉर्ट भी साथ में लेते हैं, हम रूम भी साथ में जाते हैं, तो हम वो एक कोजॉइन ही बोल सकते हो आप यू नो सारी चीज़ें. एंड प्रॉब्लम ये भी होता है कि कई बार यू नो डायरेक्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट शॉट होता है तो यू नो उनको क्लोज देना होता है, तो हम क्लोज कर ही नहीं पाते जब तक मैं लाइन ना बोलूँ और वो इशारा ना करें. यू नो ऐसा हो गया कि हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते, इट्स बिकम सो मच वो केमिस्ट्री ऐसी बन गई. इनफैक्ट बहुत लोगों ने मुझे ये भी बोला कि यू नो केमिस्ट्री टच वुड बहुत अच्छी लग रही है, पीपल आर लाइकिंग. एंड मेरे लिए एक चैलेंज था क्योंकि यू नो ऑलरेडी यू नो ये कैरेक्टर प्ले करके फिर से वही कैरेक्टर को प्ले करना एंड ये पर्टिकुलरली चीज़ करना कि वो इशारा कर रही है उसके तुरंत बाद वो टाइमिंग मैच करना कि आपको डायलॉग बोलना है फिर उसके बाद आपको अपने खुद के भी लाइन्स बोलने हैं तो वो डिफ्रेंशिएट करना वेयर शी इज स्पीकिंग या ये मेरे डायलॉग हैं, तो इट्स वेरी बिग टास्क. सो आई थिंक डूइंग दिस शो बहुत सीख रही हूँ, नहीं ये अच्छी बात है, मुझे लगता है कि बिकॉज एज एन एक्टर ऐसा शो मिलना ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि मैं इस शो से बहुत कुछ सीख के निकल गई और मैंने देखा है वो चेंज खुद में पर्सनैलिटी वाइज एज एन एक्टर बोल रहे हैं जैसे भी यू नो बहुत सारे मुझमें एक डिफरेंस आया है एंड परफॉर्मेंस वाइज भी थोड़ा सा मैं खुल के परफॉर्म करने लग गई हूँ बिकॉज अब तक यू नो सिंह में से रोल किए हैं नेगेटिव रोल किए हैं बट कॉमेडी में वो एनर्जी ही इतनी अलग लगती है कि एक सीन करने के बाद यू नो अगला सीन जब हमें मिलता है हमें लगता है कि मत करो बिकॉज इतना बोलना होता है सो तो देखिए जैसे कृष्णा है बिकॉज मेरे सीन उसके साथ ज़्यादा ही होते हैं कृष्णा अम्मा एंड इन सब के साथ तो मेरा बॉन्ड अच्छा ही है. अम्मा और शारदा को जो सीन था वो जो सबसे पहला सीन मैंने किया क्योंकि उसके पहले क्या था ना मैं नॉर्मल सीन्स कर रही थी, डायलॉग्स बोल रही थी और परफॉर्म कर रही थी, अच्छा ये है वो है कॉमेडी है डिफिकल्ट बड़ा लैंग्वेज, मतलब मोमेंट अम्मा के मिलना और मेरा वो जो पहला सीन था वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि द एंटायर यूनिट सब बहुत टेंशन में थी तो पता नहीं अब क्या होने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है और सभी आई थिंक स्ट्रेस था, अम्मा को भी था कि पता नहीं कैसे होगा, फर्स्ट डे है केमिस्ट्री, फर्स्ट सीन है, कैसे करेंगे क्या करेंगे. बट मेरा ये नेचर है ना कि मैं कोई भी शो करती हूँ बिकॉज मेरा काम इफ आई एम डूइंग सम शो मतलब मैं जान लगाती हूँ, मतलब मेरा काम इज़ लाइक माय पैशन इज़ एवरीथिंग फॉर मी आई फील. तो मैंने टेनानी जब ज्वाइन किया था तो मैंने सारे एपिसोड्स पुराने देखे थे, स्पेशली अम्मा और शारदा की सीन्स जो भी थी मैं देखती रही मतलब जस्ट फॉर यू नो नो द वो मेरे को कैरेक्टर जानने के लिए. तो मैंने वो इतना सीन्स देख लिए थे ना कि मुझे पता था कि अच्छा ऐसे कुछ होता है. देन मैंने स्क्रिप्ट मंगवाई एक दिन पहले, जैसे मुझे पता चला ये स्केड्यूल लग रहा है मैंने एक दो दिन पहले स्क्रिप्ट मंगवाई एंड यू वोंट बिलीव वो सीन एक टेक में हो गया एंड हो गया मतलब इट वॉज परफेक्टली ऑलराइट. सो आई थिंक मैं तो शॉक थी ही, मैं अमेज थी ही, बट अदर देन दैट बाकी सब लोग ऐसे मतलब कृष्णा ने बोला कि उसने ऐसी चैन की सांस ली कि सारा बोझ उसी के सर से निकल गया. अम्मा ने भी ऐसे एकदम ऐसे कर दिया, हो गया, एंड इट वाज नॉट दैट हो गया, हो गया,
positive thing that I got from both of them. Because we all three were part of that, so I was like, nervous. I didn't know the character. So, वो दोनों ने इतना ज़्यादा positively react किया towards my performance. So, I think that is one scene or one day that I really remember. I was really happy with myself. So, yeah. आपके अलग अलग और बेहतरीन किरदार हमने कई सारे सीरियल्स में जो है अब तक देख चुके हैं, तो फैंस के मन में आसिया एक सवाल हमेशा रहा है कि आप अपने बेहतरीन किरदारों को कैसे चुनती है और कौन से किरदार जो है वो रियल आसिया यानी आपसे बिल्कुल मेल खाता है और जो आपको लगता है कि ये किरदार जो है वो बिल्कुल मेरे जैसा है। हाँ, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपने कहा Yes, thank you so much. I think this is thanks to the industry, and I am blessed कि मुझे you know अपने हर show में अलग character करने को मिला है, positive play करने मिला है, negative play करने मिला है, stubborn character play किया, comedy कर रही हूँ. So I think every show, if I look back, you know मैंने कुछ repetitive as such नहीं किया है. तो I feel very lucky about this fact. और बाकी अगर कोई character जो मुझसे मेल खाता हो, I think हर character से जो जो अच्छी चीजें मुझे लगती हैं as a person, वो हमेशा चुरा लेती हूँ. अगर मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर की यू नो ये पर्सनैलिटी अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, शायद आसिया में ना हो, सो आई थिंक वो पॉजिटिव चीज़ मैं हड़प लेती हूँ. एंड अगर मुझसे कोई मेल खाता हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो शारदा का कैरेक्टर है, बिकॉज शारदा बहुत बोलती बहुत है, एंड यू नो शी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, एंड बिना यू नो ऐसे उसकी बॉडी मूवमेंट, जैसे मैं भी नॉर्मली अगर बात करती हूँ, अगर आप मेरे हाथ मानते हो तो मैं शायद नहीं बात कर पाऊँ. So I think somewhere मुझ में और शारदा में वो सिमिलैरिटी जरूर है. एंड शारदा में आई थिंक मेरा परफॉर्मेंस ज़्यादा नेचुरल है, बिकॉज मुझे खुद के परफॉर्म करना है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. एज एन एक्टर मेरे पास वो लिबर्टी है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है. सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट बींग शारदा, दैट आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट. यू नो एक स्क्रिप्ट है, ये कैमरा इतना एंगल है, आपको जहाँ घूमना है घूम, सो ना एक लिबर्टी मिलती है हमें कॉमेडी करते हुए. So I think ये कैरेक्टर है जो मुझसे मेल खाता है. बट अगर कोई कैरेक्टर जो मेरे क्लोज है वो है मेरा सबसे पहला कैरेक्टर संतो. ऑब्वियसली बिकॉज मेरा पहला शो था, तो एक वो एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहेगा मेरे मन में उस कैरेक्टर के लिए और उस शो के लिए, क्योंकि मेरे करियर की शुरुआत उस शो से हुई है. तो इसका मतलब ये कि कोई भी जो अच्छी चीज़ है आप उसे जो है अडॉप्ट कर लेती है, जो भी किरदार की होती है, और उसके बाद जो है उसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती हुई नजर आती है. टेलीविजन की दुनिया की हमने बात करी, हमने आपकी बात करी कि किस तरह से आपने बेहतरीन किरदारों को निभाया, तो टेलीविजन की दुनिया में आपने बेहतरीन काम तो किया ही है. अब आपके फैंस कब आपको फिल्मों में देख सकते हैं, या फिर कोई आगे आपको विचार है कि आने वाले जो वक्त है, जो समय है, उसमें आप इन सीरियल्स के अलावा जो है फिल्मों में ट्राई करने वाली हैं? ऑनेस्टली ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है. आई थिंक मैं टीवी में बहुत खुश हूँ, मैं टीवी करते हुए बहुत खुश हूँ, और मुझे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने को यहाँ मिल रहे हैं. बट गिवन एन ऑप्शन, आई थिंक कोई फैमिली ड्रामा वेब सीरीज में ज़रूर करना चाहूँगी, जो फैमिली ड्रामा हो या एक यू नो फैमिली रिलेटेड कोई स्टोरी हो और समथिंग और दी अदर. सो आई थिंक वेब सीरीज डेफिनेटली, बिकॉज उसमें मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. डेफिनेटली वेब सीरीज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, एंड बिकॉज आजकल यू नो वेब सीरीज का ज़माना है, तो यू नो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया एक तरीके से, बिकॉज थिएटर्स भी बंद है, तो तरीके से सब कुछ डिजिटल ही हो गया है. बट मुझे टी वी करना है, टी वी के अलावा मुझे वेब सीरीज करना है, तो ये तो मेरे ऑप्शन है. सो मैं इनफैक्ट बहुत खुश हूँ टी वी करने में, वेरी हैप्पी एंड कंटेंट. आसिया, मेरा एक सवाल आपसे ये है, वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया कि आपने किस तरह से किरदार निभाती है, किस तरह से आप अपने रोल को चुनती है, जो रोल पसंद आता है आप उसे अडॉप्ट करती है, और आप फिल्मों में नजर आएंगे या नहीं, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में जब आपने कदम रखा था तो किस तरह से रखा, और इस सपने में आपको जो आपने सपना कैसे पूरा किया, और क्या आपके माँ बाप ने इसका पूरी तरह से सपोर्ट किया था? तो जैसे कि आपने कहा, मुझे एक बचपन से कभी यू नो ऐसे एक्टर बनने का ऐसे सपना नहीं था, या मुझे एक्टर ही बनना था ये मैंने डिसाइड नहीं किया था. मुझे लाइफ में या तो मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना था, या यू नो सिर्फ स्टडीज कम्प्लीट करनी थी, बट डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि यू नो मुझे इस फील्ड में आना ही है. बट या तो मैं जब यू नो बचपन में कुछ मूवी देख के आती थी, या कुछ मैं घर आके वो सीन्स एनैक्ट करती थी, परफॉर्म करती थी, तो कहीं ना कहीं वो ब्लड में यू नो हमेशा से था ही एक्टिंग का यू नो. सो
बिकॉज मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ था, कहीं पे ऑडिशन हो रहा था तो मैंने वहाँ पे ऑडिशन लिया. मेरी मम्मी ने मुझे फोर्स किया कि नहीं जाओ ऑडिशन दो ऑडिशन दो. सो शी पुश्ड मी एंड आई वेंट फॉर द ऑडिशन और वहाँ से चीज़ें फिर वर्कआउट होना स्टार्ट हुई. और जब मैंने अपना पहला शो किया उस दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि नो दिस इज़ माई करियर, मुझे यही करना है. एंड उस वक्त जो मेरा पैशन डेवलप हुआ एक्टिंग को लेके, मेरे काम को लेके, आई थिंक वो उस टाइम से अब तक बस बढ़ता ही आया है और बढ़ता ही रहा है. मतलब आई एम द वन कि मैं किसी भी हालात में काम है अगर तो मैं पहुंच जाऊंगी. मुझे कैसे भी बस बोल दो अगर काम है आई विल रीच. तो इतना ज़्यादा मेरा पैशन एंड यू अभी बढ़ गया है टूवर्ड्स वर्क एंड एक्टिंग. आपने जितने भी सवालों के जवाब दिए वो बेहद ही शानदार दिए. मैं जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप अपने किरदार जो है शारदा को किस तरह से देखती है, क्योंकि फैंस तो उसको बहुत ज्यादा पसंद करते ही हैं, क्योंकि यहाँ तक कि जो हमारे घर में भी आपके सीरियल जो है तैलानी रमा को देखा जाता है. आपके सीरियल को जो है मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ. तो ये जो सीरियल है वो आपके लिए किस तरह, जो किरदार आप निभा रही है सीरियल में वो आपके लिए किस तरह से है और आप उसे उस किरदार को किस तरह से देखती है जिसे जिसकी वजह से फैंस उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इस कैरेक्टर से अगर मैंने कुछ पॉजिटिव सीखा है, जो मैंने अपने हर कैरेक्टर से सीखा है, उसे ये सीखा है शारदा से कि आई हैव सीन शारदा जो है ना वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे तेनाली की लाइफ में है या इनके घर में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो मैंने शारदा को कभी रोते हुए नहीं देखा है. यू नो उसने हर चीज़ों को हमेशा हंसते हुए लाइट मूवमेंट पे उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला है और लाइफ को हमेशा ये हंसते हुए मस्ती मजाक में ही जीते आई है. प्रॉब्लम्स वही हैं, इनके पास कभी खाने को नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी ये प्रॉब्लम है, कभी हो सकता है कि नो तेनाली को मरना पड़ सकता है, कभी फैमिली को घर छोड़ना पड़ सकता है. सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है बट आई हैव नेवर सीन शारदा सिटिंग और डिप्रेस्ड और क्राइंग और होपलेस लेके रो रही हूँ. सो आई थिंक उसने एक सोल्यूशन निकाला हंसते हर चीज़ों को. तो आई थिंक ये ब्यूटी है इस कैरेक्टर का कि ये लड़की कभी हंसना भूलती नहीं है, कभी हंसाना भूलती नहीं है और सारी प्रॉब्लम का हर सोल्यूशन ही हंसते हंसते वो लाइफ ही निकाल लेती है. सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग जो मैंने इस कैरेक्टर से सीखा है. कैरेक्टर बहुत ब्यूटीफुल यू नो इन अ सेल्फ है. बहुत रेयर ऐसे कैरेक्टर होते हैं टेलीविजन पे यू नो जहाँ पे वो एक कैरेक्टर है जो इतनी लाउड है, इतनी एक्सप्रेसिव है, बट शी इज़ नॉट इरिटेटिंग ऑन द सेम टाइम, यू नो शी इज़ वेरी लवेबल. सो आई थिंक वो एक ब्यूटी है शारदा के कैरेक्टर का. आसिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खूबसूरत और शानदार इंटरव्यू के लिए. मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सीरियल जो है काफी ज्यादा फैंस उसे देखे और उसको उतना ही प्यार करे और हम जो है आप लोगों के साथ उतने ही कांटेक्ट में रहे, ताकि अब आपका जो सीरियल जितना ज्यादा तरक्की करेगा उतने ज्यादा जो है हम आपके साथ जुड़े रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू करते हुए. आप बहुत प्यारी प्यारी हो, आपकी आवाज बहुत अच्छी है एंड बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा. और आप देख रहे थे आसिया काजी को हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जो है अपनी चीजों को रखा. उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने सीरियल किरदार निभाया और उसके बाद वो अपने सीरियल को कैसे पसंद करती है, सेट पे उनके कौन पसंदीदा कलाकार है, इसके अलावा कई बेहतरीन चीजों को जो है वो जिक्र करती हुई नजर आई. आप देख रहे थे इंस्टाफीर और ऐसी बाकी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ एंटरटेनमेंट का तड़का लगातार लगता रहेगा. इंस्टाफीड.